लास्ट पार्ट में हमने देखा था कुरुसोवा और अदाची आपस में प्लान करते हैं कि वो टोक्यो वापस लौटने के बाद साथ साथ रहेंगे। अदाची ये बात मैसेजेस के थ्रू अपने बेस्ट फ्रेंड सुगे को बताता है। सुगे मिनातो के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ था। मिनातो उससे कहता है, मैं चलता हूँ। तो सुगे कहता है, तुम अभी अभी तो आए थे। मिनातो कहता है, हाँ पर मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी थी कि हमें राइटर्स को अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सकें। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे राइटर बनो सुगे। ऐसा कहकर मिनातो वहाँ से चला जाता है। अदाची ने सक्सेसफुली अपने ऑफिस की ब्रांच नागासाकी खोलने में बहुत मदद की थी। उसका बॉस भी उसे थैंक्स कहता है। अब अदाची का वापस टोक्यो लौटने का समय आ गया था। टोक्यो वापस आते ही वो सबसे पहले अपने ऑफिस आता है और अपने सारे कलीग्स को वो गिफ्ट देता है जो वो उनके लिए नागासाकी से लेकर आया था। उसका दोस्त उराबे काफी परेशान दिख रहा था। अदाची उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो रुकाकू बताता है कि आजकल उसका अपनी वाइफ से बहुत झगड़ा हो रहा है। उराबे कहता है, वो बस हर वक्त मुझसे झगड़ती रहती है। कभी वो कहती है कि मुझे घर पर डिनर करना चाहिए, कभी कहती है मुझे घर पर बात लेना चाहिए। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। अदाची कहता है, शायद ये उनका तरीका होगा अपना प्यार आपके लिए दिखाने का। हर किसी का प्यार जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है और शायद उनका तरीका ऐसा होगा और आपको लग रहा है कि वो आपसे झगड़ती हैं। उराबे कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। अदाची सोचने लगता है, हाँ हमें किसी की भी बात को समझने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है, हम बात करके भी उसकी बात को समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कुरुसोवा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब कुरुसोवा और अदाची साथ साथ रहने लगे थे। कुरुसोवा अपना घर छोड़कर अदाची के पास रहने के लिए आ गया था। कुरुसोवा के बैग में काफी सारे ऐसे कपड़े थे जो अदाची के लिए थे। कुरुसोवा उससे कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम इन कपड़ों में कैसे लगोगे। अदाची उसे वो कपड़े पहनकर दिखाता है पर उसे वो बहुत फनी लगते हैं और वो कुरुसोवा से कहता है, आज के बाद मेरे लिए कपड़े मत खरीदना। पर कुरुसोवा उसकी काफी सारी फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है। वो दोनों साथ साथ रह रहे थे और उन दोनों ने अपना अपना काम भी बांट लिया था। अगली सुबह अदाची कुरुसोवा का ब्रेकफास्ट बना रहा था पर कुरुसोवा उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। तो अदाची कहता है, तुम्हें पहले शावर ले लेना चाहिए। जैसे ही वो नहाकर आता है तो अदाची ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था पर कुरुसोवा की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे खाने की, क्योंकि वो अदाची ने बनाया था और वो बस उस ब्रेकफास्ट को देखते रहना चाहता था। अब अदाची, कुरुसोवा, मिनातो और सुगे चारों दोस्त मिलकर आपस में गेट टुगेदर कर रहे थे। सुगे और अदाची जब अकेले में होते हैं तो सुगे अदाची से कहता है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों साथ साथ रहने लगोगे। अदाची कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था। अब वो सुगे से पूछता है, क्या तुमने अपने और मिनातो के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। सुगे कहता है, मुझे फ्यूचर का नहीं पता पर मैं जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता हूँ। अदाची सुगे को एक एडवाइस देता है और उस रात मिनातो के साथ वापस लौटते वक्त सुगे उससे पूछ ही लेता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। सुगे उससे कहता है, तुमने ये बात सच कही कि राइटर को लिखने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, पर मैं इस बात को गलत प्रूफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तभी अच्छे से लिख पाता हूँ जब तुम मेरे साथ होते हो। जब भी हम दोनों को एक दूसरे को गुड बाय बोलना पड़ता है, मैं तुम्हें मिस करता रहता हूँ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तब मैं अच्छा राइटर बन पाऊँगा। मिनातो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है अब से हम दोनों साथ रहेंगे। अदाची और कुरुसोवा साथ में डिशेस वॉश कर रहे थे। कुरुसोवा कहता है, कितने लंबे समय बाद इस तरह हमने कोई डिनर पार्टी रखी है। वैसे ऑफिस के चीफ ने मुझे बताया कि जब से तुम नागासाकी से वापस आए हो तुम काफी हार्ड वर्क कर रहे हो। अदाची कहता है, हाँ क्योंकि मैं हम दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब कंपनी में हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चले तो हमें गलत तरीके से देखा जाए। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ कुरुसोवा, और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए खुश रहना चाहता हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो नर्स ने मेरी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया, ऑफिस में इन्फॉर्म किया, पर तुम्हें नहीं किया, जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह मैं करता हूँ। अगर हम इसी तरह ज़िंदगी भर रहेंगे तो हमारे रिश्ते को कभी नाम नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए कि हमारा रिश्ता क्या है। अदाची की ये सारी बातें सुनकर कुरुसोवा बहुत इमोशनल हो जाता है और अदाची को गले से लगा लेता है। वो दोनों प्लान करते हैं कि सबसे पहले वो अदाची के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे। कुरुसोवा कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए अपना पूरा बायोडाटा रेडी कर लिया है, वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। अदाची उसके बायोडाटा को रीड करता है जिसमें उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें उसके बहन के बारे में भी था। अदाची कुरुसोवा से उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है तो कुरुसोवा कहता है, वो बिल्कुल ठीक है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब्रॉड गई हुई है। तुम्हारा भी एक भाई है ना? अदाची कहता है, हाँ मेरा भाई है जो कि मैरिड है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहता है, उसकी एक क्यूट सी डॉटर भी है।
अब अदाची की फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक काफी हैप्पी फैमिली दिख रही थी। अदाची की मदर को अदाची का कॉल रिसीव होता है और वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं, नेक्स्ट वीक अदाची आ रहा है और वो हमें किसी से मिलवाना चाहता है। अगले हफ्ते दोनों अदाची के घर जा रहे थे। अदाची कुरुसावा से कहता है, मैं आज तक कभी भी किसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए नहीं ले गया हूँ। कुरुसावा भी काफी नर्वस दिख रहा था। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, कुरुसावा खुद को उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है। एक सेकंड के लिए वो लोग कुरुसावा को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाते हैं, पर वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं। अदाची को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात की शुरुआत कैसे करे, तो कुरुसावा कहता है, मैं शुरुआत करता हूँ। कुरुसावा उसके पेरेंट्स से कहता है, मैं और अदाची लास्ट ईयर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अदाची की माँ उससे कहती है, अदाची तुम्हारा भी यही डिसीजन है? अदाची कहता है, हाँ मैं भी कुरुसावा को बहुत पसंद करता हूँ और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अदाची की माँ तुरंत खुश होते हुए कहती हैं, अगर तुमने खुद उसे अपने लिए चुना है तो हम तुम्हारे इस फैसले में बहुत खुश हैं। अदाची का भाई और उसके भाई की वाइफ भी उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस विश करते हैं। अदाची की माँ कुरुसावा से कहती है, वेलकम टू आवर फैमिली। अदाची के फादर कुरुसावा से कहते हैं, क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? वो कुरुसावा को अपने साथ चेस खेलने के लिए बिठा लेते हैं। कुरुसावा कहता है, थैंक यू सो मच, आपने हमारे रिलेशनशिप को समझा। अदाची के फादर कहते हैं, मेरे लिए अदाची की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना। अदाची को बिल्कुल भी चेस खेलना नहीं आता। मैं खुश हूँ कि मुझे अब अपने साथ चेस खेलने वाला कोई मिल गया है। लोग साथ में डिनर करते हैं। इस तरह अदाची की फैमिली तो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गई थी। अब कुरुसावा की बारी थी अपनी फैमिली से बात करने की। वो अपने फादर को कॉल करके बताता है कि वो उन्हें अदाची से मिलवाना चाहता है, पर कुरुसावा के फादर कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पर तुम्हारी माँ अभी तैयार नहीं है। अगले दिन अदाची काफ़ी एक्साइटेड था। वो कुरुसावा से कहता है, क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को केक पसंद आएगा? पर कुरुसावा उससे कहता है, शायद मुझे अकेले ही पहले अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास जाना होगा और उनसे बातें करनी होंगी। अदाची कहता है, क्या हुआ? क्या वो हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? कुरुसावा कहता है, तुम्हें इस बारे में परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और अगर वो हमारे रिश्ते को अप्रूव नहीं भी करते हैं तो वो मुझे फैमिली से बाहर कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अदाची कहता है, नहीं कुरुसावा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वो लोग जो तुम्हारे लिए प्रीशियस हैं, वो मेरे लिए भी प्रीशियस हैं। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे और साथ में हमेशा खुश रहेंगे। ये सब सुनकर कुरुसावा कहता है, अदाची तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। अदाची कहता है, जब भी तुम वीक पड़ जाओगे मैं तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनूंगा, और जब भी कभी मैं कमज़ोर पड़ा करूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरा सहारा बनो। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगले दिन वो दोनों ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, तभी कुरुसावा को अपने फादर का कॉल रिसीव होता है। कुरुसावा की माँ अब अदाची से मिलने के लिए तैयार थी और वो उन दोनों को घर बुला रही थी। कुरुसावा कहता है, ठीक है हम दोनों इस वीकेंड घर आ जाएंगे। वीकेंड होते ही वो दोनों कुरुसावा के घर पहुंच जाते हैं। कुरुसावा की माँ अदाची से कहती हैं, अदाची मुझे माफ कर दो कि मैं पहले तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश आई, पर दरअसल मुझे चिंता थी, मुझे डर था कि कहीं एक दिन तुम दोनों को अपने इस डिसीजन का रिग्रेट ना हो। क्या तुम दोनों सच में अपने रिश्ते को लेकर श्योर हो और तुम्हें कभी इसका रिग्रेट नहीं होगा? कुरुसावा कहता है, माँ आप ये सब क्या बातें कर रही हैं? तभी अदाची कहता है, सच कहूँ तो मैं इस बात को लेकर खुद अभी तक श्योर नहीं था, पर कुरुसावा से मिलने के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुका हूँ। मैं अपने आप को लेकर कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना मैं कुरुसावा से मिलने के बाद हुआ। मैं हमेशा से ही लूजर रहा हूँ और हर चीज़ हारता आया हूँ, और उसके बाद मैं कुरुसावा से मिला जिसने मुझे वजह दी खुद को बदलने के लिए, और इस वक्त मैं एक चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं कुरुसावा से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर कुरुसावा भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है, जब से मैं एक बच्चा था मुझे हमेशा मेरे लुक्स को लेकर लोग मजाक बनाया करते थे। मैं ऐसे प्रटेंड करता था कि मैं परफेक्ट हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन सिर्फ अदाची ऐसा था जिसने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसा कि मैं हूँ। अदाची ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि अगर मैं अनकूल हूँ और कमज़ोर हूँ, इस जनरेशन के हिसाब से नहीं हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा कि मैं हूँ। अदाची कहता है, मुझे पता है कि आप अभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, पर हम इंतज़ार करेंगे। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम दोनों साथ साथ बहुत खुश हैं और हमें अपने डिसीजन पे कोई अफसोस नहीं है।
तभी कुरुसोवा का फादर कहता है, पर हम अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते। और उसकी मदर कहती हैं, कुरुसोवा तुम बहुत बदल गए हो, तुमने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है अदाची, और आगे से घर पर केक लेकर मत आना। अदाची एकदम शॉक्ड हो जाता है, तो उसकी माँ कहती हैं, क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली मेम्बर हो और फैमिली मेम्बर कुछ लेकर नहीं आते। इस तरह अदाची और कुरुसोवा के रिश्ते के लिए उन दोनों की फैमिलीज मान जाती हैं। अदाची और कुरुसोवा साथ में घूम रहे थे, तभी कुरुसोवा कहता है, एक सेकंड के लिए तो मैं घबरा ही गया था जब माँ ने तुमसे कहा कि अगली बार से केक लेकर मत आना। अदाची कहता है, मुझे खुशी है कि मेरा जादू चला गया है और मैं उनका माइंड रीड नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं उनका माइंड रीड कर पाता तो शायद मैं वो सारे वर्ड्स नहीं कह पाता। कुरुसोवा उसके लिए वेडिंग रिंग्स लेकर आया था। वो उन्हें दिखाते हुए कहता है, जब तुमने माँ के सामने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, एक सेकंड के लिए मैं तो सांस लेना ही भूल गया था। वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग्स पहनाते हैं और गले लगाते हैं। अब वो दोनों वहीं लेट जाते हैं। अदाची कहता है, वैसे तुम्हें ये वेडिंग रिंग्स खरीदने का टाइम कब मिल पाया? तो कुरुसोवा कहता है, मैंने उन्हें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था, ये मेरे लिए गुड लक के रूप में थी। आज सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हें वैसे भी प्रपोज करने वाला था। अदाची कहता है, पर ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट फिटिंग में कैसे है? तो कुरुसोवा कहता है, जब तुम सो रहे थे तो मैंने चुपके से तुम्हारा नाप ले लिया था। अदाची हंसने लगता है। अब उनकी वेडिंग का समय आ गया था। वो दोनों व्हाइट कोट में ग्रूम बनकर रेडी थे। जैसे ही वो दोनों एंट्री करते हैं, उनके ऑफिस के कलीग्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे और तालियां बजा रहे थे। उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी चेरीज मैजिक मूवी खत्म हो जाती है। अब आप लोग कौन सा ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे मेरे चैनल पर, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।